लड़का एक थी लड़की दीवानी तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो गाइस अब भी आप जो प्रीव्यू में वीडियो देखें, अगर आपको भी कुछ ऐसे ही वीडियो एडिटिंग करना है या आपको सीखना है तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। और हाँ गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, क्योंकि आपका भाई वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज पोस्ट करते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चैनल को पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे करने सीखते हैं। सो गाइज आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है सबसे पहले। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वरना आपको गूगल पर चले जाना है, technicalsuhail.com सर्च करना है और वहां पर आपको काइनमास्टर का एप्लीकेशन मतलब पोस्ट पे चले जाना है और वहां से काइनमास्टर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइज आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को चूज करना है और यहाँ पर गाइज आपको मतलब थोड़ा देर वेट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको सेटिंग का ऑप्शन पर या आइकन पर क्लिक करना है, एडिटिंग का आइकन पर और यहाँ पर फिल स्क्रीन पर। अब यहाँ पर राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आप जिस इमेज पर स्टेटस बना रहे हैं आप सिंपली उस इमेजेस सबको वन बाय वन इस तरह इंपोर्ट कर लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कुछ इमेज सबको इंपोर्ट कर चुका हूँ, आप यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही आप अपना कुछ इमेजेस सबको इंपोर्ट कर लें, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। इमेज सबको इंपोर्ट करने के बाद आपको इमेज सबको फिट करना है, मीन्स यहाँ पर फिट मतलब जैसे कि ये इमेज थोड़ा साइड पे है तो इमेज पे टैप करना है, पैन एंड जूम का ऑप्शन पर जाना है और इसे आपको राइट तरफ करके यूकेएल का ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सही आपको हर इमेज जो थोड़ा दिक्कत वाला है जैसे कि ये इस पर क्लिक करें, इससे थोड़ा राइट की तरफ कर लें, यूकेएल का ऑप्शन पर क्लिक कर दें, है ना, ऐसे करके आप सेट कर लें। अब गाइज आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको गेट मोर का ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर आपको चले आ जाना है वाइप पर और अपने इंटरनेट को आपको ऑन करना है और इस जगह पर आपको कॉलम फेड ट्रांजिशन को डाउनलोड करना है। वेल गाइस आपको यहाँ पर कॉलम फेड ये वाला ट्रांजिशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इस ट्रांजिशन को डाउनलोड करने के बाद आपको वो ट्रांजिशन इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले प्लस का आइकन पर आप इसे टैप करें, देन नेक्स्ट प्लस का आइकन पर आपको कॉलम फेड का सेकेंड वाला, उसके बाद नेक्स्ट प्लस का आइकन पर आपको क्लिक करना है कॉलम फेड का तीन नंबर, नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करना है कॉलम फेड का चार नंबर, नेक्स्ट प्लस का आइकन पर क्लिक करना है कॉलम फेड का पांच नंबर। और सही गाइस आपको हर ट्रांजिशन पर जितना नंबर का आप देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। देने के बाद गाइस आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं आपको सिंपली सब पे कर देता हूँ इस तरह। अगर आपका खत्म हो जाता है ये ट्रांजिशन सब तो आप क्या करें, आपको फिर से वो ट्रांजिशन सब मतलब जैसे कि खत्म हो चुका है तो फिर नेक्स्ट प्लस का आइकन पर आप क्या करें, जो आपको पसंद है एक से या दो से या जो पसंद आप उसे चूज कर लें। वेल गाइस सोचिए ये सब जितना सारा है मेरा, सोचिए मैं हर प्लस का आइकन पर ट्रांजिशन लगा दिया हूँ। अगर आपको और फोटो बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। अब ट्रांजिशन लगाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजिशन कुछ इस तरह है। अब इमेज सब में टैप करना है और सबसे कम कर देना है जितना दूर कम हो रहा है, इस तरह हर इमेज पे टैप करके कम कर देना है जितना दूर आपका ये इमेजेस सब इस तरह आपको कम करना है। ऑटोमेटिक वो कम होने नहीं देगा, तो जितना दूर आपका ये फोटो कम हो रहा है आपको उतना दूर कम कर देना है और ये जो लास्ट का फोटो है उसे भी आप अपने अंदाज से कम कर दें इस तरह। अब आपका जो वीडियो है कुछ इस तरह बन जाएगा। अब शेयर का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और अपना वीडियो को आपको एक्सपोर्ट करना है। ऑलराइट गाइस मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हूँ। अब फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके 9:16 रेशियो को चूज करना है और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, मीडिया का जो ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर जो आप वीडियो एक्सपोर्ट किए आपको सिंपली उस वीडियो को इस टाइम पर इंपोर्ट करना है। सोचिए ये वीडियो को मैं इंपोर्ट किया हूँ तो आपको इस वीडियो को इंपोर्ट करना है। देख सकते हैं वीडियो कुछ इस तरह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है मैं कह देता हूँ, यहाँ पर आपको ये वीडियो नहीं, आप मेरे गलती से सेकंड वाला वीडियो को इंपोर्ट कर दिया हूँ, आपको ये वाला वीडियो को इंपोर्ट करना है। तो वीडियो कुछ इस तरह आपका रहता है, तो वीडियो पे आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ाना है इसका, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका स्पीड बढ़ा दें। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं 3.4 तक कर रहा हूँ, है ना, 3.4। तो यहाँ पर आप अपना अकॉर्डिंग इसे एक्सपोर्ट कर दें मतलब स्पीड कर दें, देन शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर लें। तो सेव करने के बाद गाइज आपको इस वीडियो को यहाँ से डिलीट करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और गाइज आपको एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आपको इस वीडियो को इंपोर्ट करना है, देन इस पे टैप करना है, इसका स्पीड का ऑप्शन पर चले जाना है
और यहाँ पर 1.1 डॉट बढ़ा देना है, इस तरह आपको इस तरह 1 डॉट बढ़ा देना है। तो 1 डॉट बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर गाइस आपको एक इस वीडियो को इंपोर्ट करना है, देन इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके इसका ऑडियो को आपको एक्सट्रैक्ट कर देना है और इस वीडियो को आपको डिलीट करना है। अब गाइस आप मीडिया पे क्लिक करें और यहाँ पर गाइस आप जो एक्सपोर्ट किए सबसे पहले उस वीडियो को इंपोर्ट करें सबसे पहले। अब यहाँ पर गाइस आपको एक बीट आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बीट इस टाइम से आ रहा है ना, तो आपको इस टाइम पर चले आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम से बीट आ रहा है, तो 5.3 सेकंड पर चले आ जाना है, इमेज पर टैप करना है, इमेज को कट करना है। तो आपका जब सबसे पहला वीडियो इंपोर्ट किए थे वो वीडियो है, देन अब आप मीडिया पे क्लिक करें और आपका जो नेक्स्ट जो आप स्पीड दिए उस वीडियो को इंपोर्ट करें। उस वीडियो को इंपोर्ट करने के बाद आप उसका स्पीड का ऑप्शन पर चले जाना है आपको, और सिंपली आप अपना अकॉर्डिंग उसे स्पीड बढ़ा दें, जैसे कि मैं 1.9 स्पीड कर रहा हूँ। अब गाइज आपको उस वीडियो पर टैप करना है और इस 3 डॉट पर टैप करके डुप्लीकेट क्रिएट करना है, मतलब ऑडियो आपको जितना दूर है आपको उतना दूर कर देना है। अगर आप और डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इस जहाँ से आपका फेस फोटो वीडियो स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पर चले आ जाना है, लेयर पर क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज आपको एक शैडो इमेज को इंपोर्ट करना है, कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ ये वाला। देन इमेज को इस तरह आप फुल कर लें, इमेज को फुल करने के बाद गाइज आपको इसका ड्यूरेशन को लास्ट तक कर देना है कुछ इस तरह। और यहाँ पर उसके बाद आप सिंपली क्या करें, इस लेयर इस टाइम से लेयर पर क्लिक करें, मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है आपको। और यहाँ पर आपको स्नो डस्ट बोलकर एक कहकर एक वीडियो है, आपको सिंपली उस वीडियो को इंपोर्ट करना है, देन स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो को फिट करना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर चले जाना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं वीडियो आपका मतलब यहाँ पर स्नो डस्ट आ चुका है दिखने में, जो काफ़ी बेहतरीन लगता है। अब गाइज आपको क्या करना है, अब आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मतलब इस स्टार्टिंग टाइम तक चले आ जाना है, लेयर पर क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको ये बॉर्डर को इंपोर्ट करना है, देन इस बॉर्डर को आपको लास्ट तक कर देना है। और इस बॉर्डर को लास्ट तक करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके बॉर्डर को फिट करना है, देन लेयर पर क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है, स्टार्टिंग टाइम तक चले आ जाना है। उसके बाद गाइज अगर आपको इस तरह लोगो बनाना है तो आपको नीचे पे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा, तो वो वीडियो देखकर आप इस तरह लोगो बना सकते हैं, देन उस लोगो का ड्यूरेशन को लास्ट तक कर दें इस तरह, और इस जगह पर क्लिक करके उससे छोटा करें। छोटा करने के बाद उससे आप नीचे की तरफ इस तरह रख लें, तो गाइज आप इस तरह रख सकते हैं, वरना गाइज आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो गाइज आपके यहाँ पर जो वीडियो है ये बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपका वीडियो चलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको एक इफेक्ट देखने को मिलता है इसका, अब अगर आप इस ये इफेक्ट को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, मैं इफेक्ट का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इफेक्ट कुछ इस तरह है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपका इफेक्ट इस तरह है, तो आप ये वाला लगाना चाहते हैं, ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में दोनों वीडियो देखें, आपको कैसा करके करना है, इससे इंपोर्ट करना है, स्प्लिट स्क्रीन पर लगा देना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर चले जाना है और स्क्रीन पर क्लिक करना है, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह बन जाएगा। उसके बाद गाइज हाँ, आपका हर वीडियो का वीनियट सब को ऑन कर दें, जो बैकग्राउंड पर वीडियो सब है वो दोनों वीडियो का वीनियट को ऑन कर दें। तो वीनियट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सबसे लास्ट पर, ये वीनियट। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो जो आपका वीडियो है कुछ ये इफेक्ट भी आ चुका है, जो पावर ऑफ धड़कन जो भी है, ऐसा ये इफेक्ट भी आप लगा सकते हैं, वरना गाइज आप ये इफेक्ट को विदाउट ये ऐसे भी करके लगा सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वरना ये इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ आप सभी को मतलब मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा बना है ये स्टेटस। सो है गाइस, ऐसे करके आप बना सकती है ये वाला वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो देख के पसंद आया तो मुझे पता है आप लोग अभी तक लाइक कर चुके हो, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पर भी मटेरियल्स आपको देखने को मिलता है, तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन